नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। विश्व भर में फैली वैश्विक महामारी कोविड-19 नोवल कोरोना के चलते जहां पूरा देश लॉकडाउन है, वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी गंभीर हालातों से निपटने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं। प्रदेश में इस महामारी से चलते एस्मा भी लागू किया गया है। वहीं डॉक्टर भगवान का रूप धरकर एक तरफ अपनी जान जोखिम में डालकर जनसेवा में लगे हुए हैं, वहीं पर कुछ लालची डॉक्टर अपनी काली कमाई के लिए अंचल के मरीजों की जान आफत में डाल रहे हैं। मामला डबरा अनुविभाग के टेकनपुर का है, जहां संचालित सिंघम हॉस्पिटल में दोनों डॉक्टर छत की बालकनी से ही मरीजों का हाल पूछकर टोकरी में दवा लटकाकर इलाज कर रहे हैं। बिना जांच किए बिना नब्ज देखे जो इस समय कितना उचित है, ये पर गौर करने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। काय की दवाई ली अम्मा तुम्हें? पता चला है, इसके संज्ञान में आया है, इसके जानकारी तो मिली है कि कोई डॉक्टर सिंगल है टेकनपुर में जो इस टाइप से दवाओं का वो कर रहे हैं, तो इसका देखते हैं, उनको जानकारी लेते हैं उनको क्या ये सही है। इस टाइप से अगर वो कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है और चिकित्सकीय पेशे में इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, है ना। अगर वो प्रॉपर तरीके से अपनी क्लिनिक खोल के कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये मरीजों के लिए लाभदायी रहेगा, लेकिन अगर इस तरीके से अगर वो कर रहे हैं तो ये तरीका बहुत गलत है, इसके खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अभी कोरोना जनता को लॉकडाउन का पालन करने के लिए आदेश कर रहा था, उसमें मेरे को सूचना आई थी कि टेकनपुर बाजार में सिंगल डॉक्टर है जो बालकनी से टोकरी के माध्यम से रस्सी बांध के दवाइयों को दे रहा था, उसी से पैसे ले रहा था। तो जब मैं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा, मुआयना किया तो मैंने देखा कि ये वास्तव में सत्य पाएगा, तब मैं डॉक्टर को बुलवा के नीचे समझाई दी कि आप इस तरह से किसी व्यक्ति को बिना जांच के किस तरह से दवाई दे रहे हैं, ये कोई अगर इसको कोई गंभीर बीमारी हुई और बीमारी से अगर दवाई से रिएक्शन हो गया तो आप इसके जिम्मेदार कौन होंगे, अगर आप इस तरीके से इलाज करेंगे तो आपको मैं क्लिनिक सील करा दूँगा, सीएम साहब को पत्र लिखूँगा। तब काफ़ी समझाए के बाद में डॉक्टर साहब ने बोला नहीं सर, मैं नीचे बैठ के इलाज करूँगा। डॉक्टर साहब का कहना ये था सर मेरी 65 ईयर मेरी उम्र है तो उनका बच्चा भी अभी सर मैंने आप नीचे चेकअप करिए, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो आप उसको रेफर करिए, इस तरीके से करना अनलीगल होगा, इसके खिलाफ मैं आपको जरूरी कार्रवाई करूँगा। उसके बाद डॉक्टर समझाए देकर मैंने क्लिनिक खोल।